तो अगर आपको इंडिया के पास रहना पसंद है लेकिन आप इंडिया नहीं रह पा रहे तो आई थिंक जर्सी सिटी समवेयर इन द मिडिल। यहाँ आओ, चिल करो, बैठो एंड सामने न्यूयॉर्क एकदम बिल्कुल सामने दिखता है। पहले हम लोग इस वाली बिल्डिंग में रहते थे। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू योर अनदर व्लॉग। सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है, अभी खा रहे हैं हम लोग डोसा। इट्स नॉट कॉल्ड डोसा, इट्स कॉल्ड डोसा ऋतु, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला। आई वाज लाइक यार मेरे तो आसपास सब डोसा डोसा ही करते थे, बट नाउ आई रियलाइज इट इज कॉल्ड प्रश्न, हाउ डू वी से डोसा, डोसा। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ घर की हालत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी अनपैकिंग हमें करनी है। आज हम थोड़ा नेबरहुड घूमने वाले हैं और जो भी होगा आज के दिन में आप देखने वाले हो। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। सुबह आज मौसम बहुत अच्छा है और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फेरीज और ये से बड़ा सा एक शिप कंटेनर है, ये चलता रहता है। तो अगर आप यहाँ खड़े रहोगे तो काफ़ी एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। और मैंने अभी रियलाइज़ किया यहाँ, प्रशांत बताए लोग देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे सामने लोग एक्चुअली में इसको देखने आते हैं। ये आंटी है, इश कर रही होती है, न्यूयॉर्क को चुप कराती है, पर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क है, वो क्या ही चुप होगा। और अभी हम अंदर चलते हैं। और हाउ वाज द डोसा प्रशांत, हाउ वाज डोसा, हाउ डू वी से इट, डोसा। और मैं कैसे बोलती थी, डोसा। तो अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। मतलब ऑफकोर्स हम वाटर फ्रंट के पास जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगेगा। अभी हम थोड़ा पीछे वॉक करने आए थे और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है सारे चेरी ब्लॉसम के लाइन से बहुत सारे पेड़ हैं। एंड द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट देन यू नो यूजुअल जर्सी। काफ़ी न्यूयॉर्क स्टाइल वाइब है इस जगह की। और यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो भी अराउंड 40 से छोटे, मतलब अराउंड 25 to 40 इस एज ग्रुप के लोग रहते हैं। और काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जैसे वो मतलब फुल ग्लास, यू नो फुल ग्लास वाली जो बिल्डिंग्स होती है वो भी है। और बस अभी हम लोग वॉक करते करते वाटर फ्रंट जाएंगे एंड द प्लान इज़ कि हम लोग उस साइड जाएंगे, मतलब मिड टाउन के आसपास जाएंगे। और वो डाउन टाउन भी इधर से आई थिंक थोड़ा तो दिखेगा प्रशांत, न्यूयॉर्क का डाउन टाउन यहाँ से दिखता है। ठीक है, सो वाइब ऑफ दिस प्लेस इज बिल्कुल ऐसे अर्बन पूरा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लास बिल्डिंग्स हैं, एकदम हाई राइज बिल्डिंग है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो न्यूयॉर्क में काम करते हैं वो रहते हैं। और आगे काफ़ी सारे ऑफिसेज भी हैं, तो अगर आप सीधा जाओगे तो आप एक्सचेंज प्लेस पहुँच जाओगे, वहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं। तो अभी हम लोग सीधा वाटर फ्रंट जाते हैं, फिर मिलती हूँ वहाँ पे जाके आपको। हम लोग न्यूपोर्ट के पास, वो जो पार्क है ना, वो जो बीच और न्यूपोर्ट के बीच में पार्क है वहाँ पे है। और आज यहाँ पे ईस्टर सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। एंड वी आर एक्चुअली वेटिंग, वहाँ पे कोई बनी भी है, लाइव बनी, मतलब एक आदमी जिसने बनी के कपड़े पहने हुए हैं, फोटो वोटो खींच रही है। और बच्चे पार्टी है यहाँ पे बहुत सारी। और वो झूला आपके आते बचपन में हम लोग उस पर से जम जम करते थे, वो बाउंसी वाला, तो वो भी है। और फेस पेंटिंग है, खाने का कुछ है, तो इट इज़ लाइक अ स्मॉल मेला टाइप, वो काफ़ी सही लग रहा है। So we have somebody. Hello. Hello. How are you doing? Good. And we met here, and she has met Prashant a year ago, right? Yes. Yeah, I watch her vlog. I love her vlogs. I am so glad. And यहाँ पे आके मुझे एक दो लोग और मिल गए, so that is very, very nice. Thank you. Bye. अभी आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं लंदन में हूँ, लेकिन मैं लंदन में नहीं हूँ। अगर मैं चली जाती लोग मुझे बोलते खट खट खट, इनके पास पैरों में चक्के लगे हुए हैं, घूमते ही रहते हैं ये लोग। हम यहीं हैं और ये जो मेरे पीछे है, ये जो हमारे घर के पास पार्क है ना, उसका एक फोटो ऑप टाइप कुछ है। और यहाँ पर ऑफकोर्स एक पार्क है और इस पार्क का मैंने ब्लॉग बना रखा है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए। कि हम लोग थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं और यहाँ पे बड़ी अमेजिंग सी बिल्डिंग्स और हैं। और ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी काफ़ी सही लगती है और इसकी जो बालकनीज है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये इसका पार्किंग है और ये है यहाँ से व्यू। और ये वाली बिल्डिंग का नाम है द बीच, वो जो सारी जगह है वो सारा होबोकेन है। सामने जो आपको दिख रहा है ये सारा न्यूयॉर्क है। और अभी हम लोग बिल्कुल सामने जाएंगे, वहाँ पे भी एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है। यहाँ पे बच्चों के लिए ना बीच भी है, मतलब ये मैन मेड बीच है। और यहाँ पे गर्मियों में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली पूरा वो सैंड है, सब लोग अपने टॉयज़ वगैरह लेके आते हैं। अभी एज ऑफ नाउ वाटर फ्रंट पर चलते हैं।
वॉक कर रहे हैं ना तो हमें बहुत सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। तब आई थिंक जब हम थे तब नहीं, तब अंडर कंस्ट्रक्शन था। हाँ, तब ये वाला पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट यहाँ से हम लोग आके सीधे उधर को चले जाते थे और वहाँ आई थिंक दैट वाज आवर एक्सट्रीम। मतलब अगर हम होबोकिन के पास तक आ जाते थे तब हम डन डन हो जाते थे क्योंकि वापस भी जाना होता था। और यहाँ पे बैठने का भी काफ़ी सही है, तो मतलब ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैठने का है और यहाँ से आप पूरा न्यूयॉर्क सिटी का मस्त सा जो व्यू है वो सामने देख सकते हो। और पूरा एरिया जो है ये नया बनाया है इन्होंने प्रॉपर पूरा बैठने के लिए। इस ये वाला स्टैचू उस समय बना बना था जब हम गए थे, आई थिंक बन रहा था तब। हाँ, ये हाँ। और उसके अराउंड ये पूरा पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया है और nice. मतलब अच्छा अच्छा एरिया बनाया है बैठने के लिए। We are right at the waterfront right now और जो मेरे पीछे स्टैचू है मुझे अभी पता चला उसका नाम है वाटर सोल स्टैचू। और हम अभी जर्सी सिटी में और वो जो पीछे है वो सारा स्काईलाइन जर्सी सिटी का है और जर्सी सिटी का स्काईलाइन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। और अगर आप एक्सचेंज प्लेस की तरफ मतलब टूवर्ड्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सामने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट वाली बिल्डिंग्स भी है। और मेरे पीछे मेरा फेवरेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वो भी काफ़ी कूल लग रहा है। तो वो जो एरिया है पूरा जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और बाकी बिल्डिंग्स हैं उसका नाम है डाउन टाउन। और जहाँ पे एम्पायर स्टेट एज और बिलेरियर रो और वो जो सारी बिल्डिंग है वो सब कुछ वहाँ पे, उसका नाम है मिड टाउन। मतलब पूरा मैनहट्टन में मिड टाउन डाउन टाउन है तो वो सब है। एंड यहाँ पे अमेजिंग सा यहाँ पे वाटर क्रैश होते हुए दिखता है। न्यूयॉर्क में रहने के बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑफकोर्स रेंट इज़ एक्सपेंसिव बट मज़े भी बड़े आते हैं, तो वो प्रोज एंड कॉन्स का मैंने जो व्लॉग है वो अलग से बना रखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देखना। अगर ये व्लॉग अभी तक पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना। और क्या, हाँ एक और चीज़ कि यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के टूर होते हैं ना हेलीकॉप्टर टूर, वो बिल्कुल यहाँ से जाते हैं। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर आप सीधा सीधा जाओगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखता है। और ऑफकोर्स फेरीज तो यहाँ पे दिखती ही रहती है। अगर आप पानी के पास खड़े रहोगे ना यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और बड़े मज़े आते हैं। और ये पूरा वॉक वे है और काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है और ये नया बना है तो मतलब लोग अंदर तक आते भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। मतलब आप यहाँ आओ, चिल करो, बैठो एंड सामने न्यूयॉर्क एकदम बिल्कुल सामने दिखता है, तो वो काफ़ी सही है। ये है पूरा जर्सी सिटी और जैसे मैंने आपको बताया ये सामने न्यूयॉर्क है। और यहाँ से वहाँ जाने के लिए बीच में बहुत सारा पानी है, तो अगर आपको जाना है तो ये जो सामने है यहाँ पे फेरी स्टेशन है तो आप फेरी से जा सकते हो बिल्कुल सीधा। आई थिंक एक स्टेशन वहाँ है उधर किधर, एक आपको मेरे सामने दिख रहा है यहाँ पे और एक है उधर मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जस्ट नीचे उधर, तो आप आई थिंक 7-8 मिनट में जा सकते हो। ये जो नीचे ऊपर दिख रहा है आपको, इसके नीचे टनल है, तो मतलब इसके नीचे से आप गाड़ी से जा सकते हो। उसका चार्ज आई थिंक कितना लगता है, $15 लगता है। $15 जाने का चार्ज है और वापस आना फ्री है। और अगर पर कार, हाँ, और ट्रेन है यहाँ पे न्यूपोर्ट स्टेशन है बिल्कुल पास में, ट्रेन में कितना लगता है? ट्रेन में $3 लगता है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है न्यूयॉर्क जाना। अगर आप चाहो तो आप अपनी कयाक से भी जा सकते हो, नहीं आप वो नहीं कर सकते, आई गेस आप चाहो तो तैर के भी जा सकते हो। देखो ज़्यादा दूर नहीं रहता, ऐसे सीधे 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 जाओगे पहुँच जाओगे आप न्यूयॉर्क। हमने एक छोटा सा मिनी फोटो सेशन भी कर लिया। यहाँ पे पूरा एक एज है, अगर आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो ऑफकोर्स इधर खड़े रहोगे तो मिड टाउन की बहुत अच्छी फोटो आएगी और ऊपर पूरा डाउन टाउन दिखता है। सो दैट वाज कूल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ये जो फोटो है ऑफकोर्स वहाँ डाली है। ठीक है, अभी आगे और एक और चीज़ अबाउट दिस एरिया जो काफ़ी पसंद है मुझे कि यहाँ पे जैसे नीचे आपको दिख रहा है ये यहाँ का कन्वीनियंस स्टोर है। एंड जर्सी में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा देसी खाना मिलता है, तो अगर आपको कुछ ऐसा स्पेशली देसी दाल वाल ये सब चीज़ें चाहिए तो यहाँ मिल जाती है। और ये जो एरिया है यहाँ पे सर्दियों में आइस रिंक बनती है। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो हम लोग यहाँ पे कभी कभी खेलने आते थे, वो बहुत कूल है। और ये सारा एरिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फूड ट्रक्स भी बहुत सारे हैं, तो सबर्ब्स होता है, लेकिन अगर आप सिटी लाइफ में मतलब जर्सी सिटी या फिर कोई सिटी में रहोगे तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर खाना बहुत सस्ता और काफ़ी टेस्टी मिलता है। उधर एक डॉग पार्क भी है
वो भी काफ़ी कूल है, मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या, व्हाई डू वी लाइक दिस एरिया? ये सब रीजन काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। अभी जैसे वहाँ पे पार्क के पास वो इवेंट्स वगैरह हो रहे थे, आसपास में पार्क है, वाटर फ्रंट है, देसी ग्रोसरी घर पे आ जाती है। मतलब वो तो है, जो घर पे आता है वो तो है, पर नीचे जाके ऐसे कन्वीनियंस स्टोर वगैरह भी है। जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, नोएडा वोएडा में मॉल तो बोलते हैं, वहाँ पे अब सोसाइटी के अंदर सब कुछ है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत उस टाइप की फील है कि यहीं पे आप खुश रह सकते हो, सब कुछ है। यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाती है अंदर अंदर ही। तो एक और एडवांटेज की यहाँ पे, अगर आपको इंडियन स्ट्रीट जाना है तो यहाँ से आई थिंक 15 मिनट है गाड़ी से, जनरल स्क्वायर यहाँ से 10-15 मिनट है गाड़ी से। और अगर आपको दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जाना है तो न्यूयॉर्क भी 10-15 मिनट ही है। दिस इज राइट इन द मिडल। याद है मैं जनरल स्क्वायर बहुत बार जाती थी, वहाँ पे पटेल है, वहाँ पे बहुत अमेजिंग सा खाना मिलता है, और वहाँ पे गरबा भी होता है। मैं गरबा खेलने गई थी एक बार, तो वो भी मुझे काफ़ी फन लगा था। तो मतलब दिस इज़ राइट इन द मिडल। तो यहाँ पे मतलब आपको इंडिया की जो फील है वो भी आपको मिलेगी, स्पेशली आप US में हो तो उसका जो एक अलग वाइब है वो भी मिलेगी। और बस अभी हम थोड़ा और वॉक कर रहे हैं, मतलब जब यहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं इट्स लाइक रिविजिटिंग आर ओल्ड मेमोरीज, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा आते थे और यहीं पे आसपास ऐसे वॉक करते रहते थे, तो वो काफ़ी कूल है। वो ये बाय द वे फूड ट्रक, ऐसे बहुत सारे फूड ट्रक्स है लाइन, मतलब ये फार्मेसी है। तो जैसे प्रशांत वाज मेंशनिंग ना, मतलब इट इज़ लाइक अ हैबिटेट अंदर से, इट इज़ लाइक वॉट, हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। मतलब एक अंदर ही, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहीं आसपास ही मिल जाती हैं, हाँ, तो बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब पास में ही है, तो मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है ओवरऑल। तो आज काफ़ी ज़्यादा भ्रमण हो गया है, और एक लास्ट चीज़ मुझे आपको दिखानी है। और जब मैं ऐसे बात करती हूँ ना, मतलब ऐसे, तो मुझे ऐसे एकदम वो जर्नलिज्म वाला याद आ जाता है, हेलो एवरीबॉडी वाला फील आ जाता है। और हाँ सुनो, ये जो पीछे ये 5 स्टेशन है, जैसे मैंने आपको बोला था, जो आप न्यूयॉर्क जा सकते हो यहाँ से, तो बहुत कूल होता है। जर्सी सिटी में रहने का फ़ायदा कि आप आई थिंक एक स्टेशन दूर है न्यूयॉर्क, मतलब पानी के नेक्स्ट उधर ही है। और वो जो है उधर, कैसे समझाऊँ, इस बिल्डिंग के पीछे, इस ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसके जस्ट पीछे मॉल भी है, और मॉल में काफी ज्यादा अच्छा डोसा, नान और ये सब भी मिलता है, और कपड़े भी मिलते हैं, जो कि सारे मॉल्स में मिलते हैं। ऑफ कोर्स, तो जर्सी में रहने के फायदे कुछ कुछ ये होते हैं, जैसे मान लो अगर आप किधर और रह रहे हो और आप जर्सी में रह रहे हो, यहाँ पे देसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत मुश्किल होता है अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए या फिर आपको खाने का कुछ मन करे, स्पेशली आपको जाना पड़ता है, या फिर वो रेस्टोरेंट जिनके 2-3 जगह होते हैं, यहाँ पे आपको इतनी भरमार मिलती है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको इंडिया के पास रहना पसंद है लेकिन आप इंडिया नहीं रह पा रहे, तो आई थिंक जर्सी सिटी समवेयर इन द मिडल एंड यू विल लाइक इट। मतलब हम रह के आए थे और जब हम वापस आए, वी डिडंट हैव मच ऑफ द ऑप्शंस, हाँ पता है, बट वी वर क्लियर कि मतलब जैसा भी होगा ऊपर नीचे वी विल ट्राई एंड फाइंड अ हाउस हियर। और बिना देखे हमने ले लिया, वाज लाइक चलो ख़त्म करते हैं, ये टेंशन नहीं लेने का। तो बस अभी मैं पुराना वाला घर दिखाती हूँ आपको, फिर चलते हैं। ये जो सामने बिल्डिंग है, ये वाली वेस्टर्न के जस्ट पीछे, पहले हम लोग इस वाली बिल्डिंग में रहते थे। ये 2 सिस्टर कंसर्न बिल्डिंग है, 50 फ्लोर्स की, एंड वी यूज्ड टू लिव एट 30th फ्लोर। और इसके बिल्कुल सामने ये जो वाटर फ्रंट है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसका व्यू आता था, और वी हैड सच लवली टाइम हियर एंड इट वॉज अमेजिंग। तो ये वाली मेरी पुरानी बिल्डिंग थी, और नई बिल्डिंग अभी कहाँ है वो आप कमेंट करके बताना मत, थोड़ा प्राइवेसी का इशू हो जाता है। वो तो मैंने बोला था अपने ब्लॉग में, बट 4-5 लोगों ने खट 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 कमेंट कर दिया, आई वाज लाइक उफ ये तो नहीं करना था, बट हाँ ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे जब मैं वॉक कर रही थी, मुझे आई थिंक 4-5 सब्सक्राइबर मिले आज हमें, 3-4 लोग मिले हैं सब्सक्राइबर्स। इट वॉज फन, इट वॉज वेरी वेरी फन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, दैट इज़ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जब कोई से मिलता है, तो वो बहुत फन था। तो हम काफ़ी सारे लोगों से मिले, ऑफकोर्स मैं हर बार, मेरे को ना बोलना थोड़ा ऑकवर्ड होता है, डू यू वांट टू कम इन कैमरा एंड जस्ट से हाई, तो मैं हमेशा से नहीं बोलती, बट इट वाज सो फन। अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, चलते हैं घर। वेलकम बैक, दिस इज अराउंड 7:30 PM इन द इवनिंग, हम लोग घर आए और फिर हम मस्त सो गए। मतलब आई एम नॉट समबडी वांट टू फेक इट कि जी हमने बहुत काम किया, नहीं किया हमने, हमने बहुत सारा आलस किया, और हमने थोड़ी बहुत चीज़ें फिगर आउट की है। ये एक हम लैम्प लाए हैं, मतलब हमने अमेजोन से मंगाया है, ये हम लोग टारगेट से लाए हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें 2 लाइट्स होती है, इसका एडवांटेज ये है कि एक काफ़ी खूबसूरत लैम्प है। आप मुझे बताना कौन सा वाला अच्छा है, ए या बी, और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको वो एरिया जो मैंने आपको दिखाया। ऐसे मतलब
उस साइड भी काफ़ी कुछ है, तो आई थिंक मैं किसी और दिन जाके बना दूंगी, अभी वो काफ़ी लंबा हो चुका था। और आज मैं बहुत सारे लोगों से मिली, ओ माय गॉड द फीलिंग बहुत अच्छी थी। और जब मैं पहले रहती थी तब भी लोग मुझे जानते थे, बट अब जब वो मिलते हैं तो मतलब वो जो प्यार होता है ना वो मुझे बड़ा पसंद है। मतलब दे आर लाइक वी नो यू एंड आई एम लाइक हाय। मतलब ये जो काम है ना इसमें रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं अकेले काम करती हूँ सारा, फ्रॉम क्रिएटिंग कॉन्टेंट टू थिंकिंग अबाउट द कॉन्टेंट टू एडिटिंग द वीडियो टू मेक द कॉन्टेंट, एंड इफ समबडी कम्स टू यू एंड सेज दैट वी रियली लाइक व्हाट यू डू, आई एम लाइक ला 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 ला। ठीक है, अब आज का ज्ञान इसी के साथ समाप्त होता है। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, लाइक तो कर ही देना, और कॉमेंट तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो टेक केयर, बाय बाय। Show me.